हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी की। जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके सेक्शन बी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है इफ 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई के बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम इसे कैसे करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू। साइन इनवर्स चीज प्लस कॉस इनवर्स वही चीज कैन बी रिटन एज पाई बाय टू। यहां पर है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस, तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से, क्या? पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। सबसे पहले तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो इक्वेशन मुझे सॉल्व करने के लिए दी गई है उसमें कॉस इनवर्स भी है और साइन इनवर्स भी है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स में चला जाऊंगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं साइन इनवर्स में आ गया। अब 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, पाई पाई, और ये पाई बाय टू जाएगा उधर, तो पाई माइनस पाई बाय टू हो जाएगा पाई बाय टू, ठीक है। ये 3 जाएगा उधर, ठीक है, या ये कह लीजिए डिवाइडिंग बाय 3 बोथ दी साइड्स। तो इधर से 3 गायब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 6 के बराबर, और मल्टीप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का साइन ले लीजिए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा एक्स, और इधर आ जाएगा साइन पाई बाय 6, साइन ऑफ पाई बाय 6 विच कैन बी रिटन एज साइन 30 डिग्री। साइन पाई बाय 6, पाई इज 180 बाय 6 इज 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, सो हियर इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दैट इज 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स पी। हमें मैट्रिक्स पी निकालना है विच इज सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, और वो मैट्रिक्स की इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब पी इंटू दिस मैट्रिक्स, जो ऊपर भी जिसका हमें इनवर्स निकालना है, वो किसके बराबर होगा, 1 2 2 - 1 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो ए बी सी डी नाम का है, तो आप उसका इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, देखिएगा कैसे। इसका अगर आपको इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है, तो आप लिखिएगा 1/AD, AD राइट डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, AD माइनस BC, या ये कह लीजिए कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अब यहां पर मैट्रिक्स लिखिएगा, और मैट्रिक्स में जहां A था वहां D लिख दीजिएगा, जहां D था वहां A लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां A था वहां D लिख दिया, जहां D था वहां A लिख दिया, और B की जगह -B लिख दिया, और C की जगह -C लिख दिया। जहां A था वहां D लिख दिया, जहां D था वहां A लिख दिया, और B की जगह -B और C की जगह -C लिख दिया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इस वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -3 2 5 -3, तो सबसे पहले लिखा जाएगा AD माइनस BC। AD -3 × -3 9, -2 × 5, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। अब वो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स में जहां A है वहां D, तो -3 यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि दोनों -3 हैं, तो यहां भी -3 और यहां भी -3 आ जाएगा। अब जहां ये है, जहां B है, B वही रहेगा लेकिन माइनस टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, और जहां 5 है वहां रहेगा -5 आ जाएगा, 5 वही रहेगा बस नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/9 - 10 विच इज -1, 1/-1 विच इज -1, -1 इंटू दिस 3 2 5 3
3253 इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकल के आ गया, इसका इनवर्स मेरे पास आ गया। अगर वो मैट्रिक्स मान लीजिए ए था तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स, कब, जब मैंने इस मैट्रिक्स का नाम क्या दिया था, ए। अब देखिएगा पी इंटू वही मैट्रिक्स बराबर है किसी अगले मैट्रिक्स के, मान लीजिए इसका नाम एक्स है, मान लो इसका नाम एक्स है, ठीक है, तो पी ए मैट्रिक्स में मान चुका हूं इसे, पी इंटू ए बराबर है एक्स, बराबर है एक्स के। अब आपको निकालना है पी मैट्रिक्स, तो सर आप करेंगे क्या, आप पी ए तो दे रखा है, अब आप इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बाद में और एक्स ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। गलती से ऐसा ना हो कि आप इस ए को उधर ले जाएं और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई एक्स से पहले कर दें, क्योंकि अगर पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ए और ए इनवर्स आपस में आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे, आप बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स का, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगा, ठीक है। तो ए ए इनवर्स बन जाएगा, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी इंटू एनी मैट्रिक्स इज एनी मैट्रिक्स, तो पी इज इक्वल टू एक्स, x इंटू ए इनवर्स, और x किसे माना था, इसे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 माइनस 1, और a इनवर्स मेरा निकल के आ चुका है, a इनवर्स आ चुका है 3 2 5 3 3 2 5 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये पहला पहले के साथ जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। अब ये पहला किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ, तो हो जाएगा 2 1 into 2 2 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 8 पहला। अब ये दूसरा वाला पहले पहले के साथ जाएगा तो हो जाएगा 6 माइनस 5 1 फिर हो जाएगा 4 माइनस 3 1, तो यहां पर आपको P मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, वो 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट्स A11 13 होगा, A12 8 होगा, A21 1 होगा, A22 1 होगा। इस तरीके से आप अपना डिजायर्ड मैट्रिक्स निकाल। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है कि प्रूव दैट अगर x की वैल्यू 1/2 या 1/2 से बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है, तो ये प्रूव करिए कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स के अंदर x by 2 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3, मतलब इस चीज को मैं पाई बाई 3 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, यहां पर आप उस चीज को बाहर ले लीजिए, तो cos इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स के अंदर जो चीज है वो क्या है, एक्स बाई टू प्लस, यहां से मैं 3 बाहर ले सकता हूं, यहां से मैं 3 बाहर ले सकता हूं, लेकिन जब 3 बाहर आएगा तो वो रूट 3 बाहर आएगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 है, अगर 3 बाहर आएगा तो क्या आएगा, रूट 3, तो यहां हो जाएगा रूट 3 बाई टू और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3, हमें प्रूफ करना है और हम LHS लेके चल दिए, ठीक है, हम LHS लेके चल दिए, ठीक है। यहां पर x को sin थीटा मान लो, यहां पर x को क्या मान लो, cos थीटा मान लो, ठीक है, x को मान लो cos थीटा, तो देखिए क्या होगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है, मान लो मैंने x को cos थीटा मान लिया, ठीक है, तो cos इनवर्स के अंदर x और cos इनवर्स के अंदर x और x को मान लिया cos थीटा, तो cos इनवर्स के अंदर cos थीटा तो क्या मिलेगा, थीटा प्लस cos इनवर्स के अंदर x, x की जगह इसे x by 2 को मैं लिख सकता हूं x into 1/2 और 1/2 को मैं लिख सकता हूं cos 1/2, जो 1/2 है हमारा, इसे मैं लिख सकता हूं कितना, cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 लिख दिया, और x x को मैं मान चुका हूं cos थीटा, x बाय 2 यहां पर था तो 1/2 तो होता है cos 60 डिग्री, तो cos पाई बाय 3 लिख दिया, और x x को क्या लिख दिया cos थीटा, प्लस रूट 3/2 को मैंने लिख दिया sin 60 डिग्री, कितना लिख दिया sin 60 डिग्री, और x है cos थीटा, cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा, का रूट हो गया sin थीटा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर cos इनवर्स था और मैं ये चाहता था अंदर कोई आइडेंटिटी cos की बन जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए cos a प्लस b की आइडेंटिटी बनी और cos a प्लस b की बन रही है अंदर, बाहर है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स ऑफ cos a प्लस b, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा,
ए प्लस बी। तो ये इच्छा थी मेरी कि अंदर जो भी आइडेंटिटी बने वो कॉस की बने, और अगर मैं ध्यान से देखूं ना, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, विच कैन बी रिटन एज कॉस ए माइनस बी, थीटा प्लस कॉस इनवर्स के अंदर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए मान लीजिए पाई बाय थ्री है, माइनस बी मान लीजिए आपका थीटा है। अब कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स के अंदर है कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा थीटा प्लस वी आर लेफ्ट विद पाई बाय थ्री माइनस थीटा, पाई बाय थ्री माइनस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द आंसर इज पाई बाय थ्री। हेंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू पाई बाय थ्री। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू में कितना चेंज आएगा अगर हम x की वैल्यू को 2 से 2.002 कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मान लीजिए एक फंक्शन है f of x is equals to y। अगर आप फंक्शन के इनपुट में चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में चेंज जरूर होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं f, अगर इनपुट में आपने चेंज किया, मान लीजिए इनपुट को आपने डेल्टा एक्स बढ़ा दिया, तो अगर पहले आउटपुट वाई था तो अब आउटपुट थोड़ा सा बढ़ के आएगा, वो कितना आएगा डेल्टा वाई, मतलब कुछ चेंज हो के आएगा। हो सकता है वो चेंज पॉजिटिव हो सकता है वो चेंज नेगेटिव हो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले फंक्शन के अंदर गया था 2, तो 2 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 आंसर आ रहा था, लेकिन उन्होंने इनपुट को थोड़ा सा चेंज करके भेजा, इनपुट को थोड़ा सा चेंज करके भेजा, तो वो चेंज क्या है, देखिए 2 से थोड़ा सा बढ़ा के भेजा, तो वो चेंज है 0.002। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 0.002। ठीक है, और हमारा फंक्शन कैसा है, हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर। हमारा फंक्शन कह रहा है कि जो चीज मेरे अंदर आएगी 1 अपॉन उस चीज का होल स्क्वायर। सबसे पहले उसके अंदर आ रहा था 2, तो 2 आया तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 आंसर आ रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा इनपुट बढ़ा के दे दिया, 2 से थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो x क्या है उसके फंक्शन के अंदर आने वाली चीज, तो अब पहले 2 आ रही थी लेकिन अब 2 से थोड़ा सा बढ़ के आ रही है, तो 1 अपॉन 2 से बढ़ने वाली चीज का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर अगर पहले से बढ़ गया, डिनोमिनेटर पहले से बढ़ गया, पहले 2 का स्क्वायर था अब 2.002 का स्क्वायर है, तो ये सीधी सी बात है कि जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा घट के आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एज अ होल वो घटेगा। ठीक है, तो वो कितना घटा, कितना चेंज आया, नेगेटिव चेंज है वो हमें बताना है, मतलब ये कि हमें डेल्टा वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मैथ्स के तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स वो वैल्यू जो 2 थी, डेल्टा एक्स जो बढ़ा के दी थी वो कितनी थी 0.002, विल बी इक्वल्स टू वाई, और वाई क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है, जो आंसर में चेंज बढ़ के आएगा, ठीक है, या घट के आएगा, मतलब चेंज आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 2.002 फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है जो चीज मेरे अंदर आएगी 1 अपॉन उस चीज का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो फंक्शन के अंदर आ रहा है 2.002, तो उसका स्क्वायर कर देगा, 2.002 का स्क्वायर कर देगा, x क्या है मेरा 2, ठीक है, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय 4 प्लस डेल्टा वाई। अब मैथ्स इस बात को कह रहा है कि 2.002 का जो स्क्वायर होगा, मतलब अगर आप ये वैल्यू डालेंगे तो आंसर जो आएगा ना वो 1 बाय 4, 2 डालने पर 1 बाय 4 आ रहा था, आपने 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाली 1 बाय 4 प्लस डेल्टा वाई, मतलब आंसर 1 बाय 4 होगा प्लस उसमें कुछ चेंज होगा, हो सकता है वो चेंज नेगेटिव हो सकता है वो चेंज पॉजिटिव हो। ठीक है, ये हम जानते हैं कि वो चेंज नेगेटिव ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं चेंज कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 1 बाई एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा तमीज से लिखूं तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2 x की पावर माइनस 3, विच कैन बी रिटन एज dy/dx इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन x की पावर माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ नीचे ले जाके x की पावर 3,
और यहां पर डी वाई है चेंज इन वाई और डी एक्स है चेंज इन एक्स, जो कि बहुत बहुत छोटे हैं, लगभग बहुत बहुत छोटे चेंज हैं, वो लगभग जीरो के आसपास हैं। तो हम इस डी वाई को डेल्टा वाई लिख सकते हैं, ठीक है, और इस डी एक्स को, ठीक है, इस डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स। तो ये लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इनटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, और एक्स कितना है मेरे पास, टू, जो पहले वैल्यू डाली थी, टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट, और डेल्टा एक्स कितना है, जो चेंज अंदर मैंने बढ़ा के दिया था, वो चेंज कितना दिया था, 0.002, ठीक है, ये डेसिमल हट जाएगा, ये वन के आगे थ्री जीरोस आ जाएंगे, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये टू इंटू टू फोर, फोर बाय एट, दैट इज वन बाय टू, वन बाय टू विच कैन रिटन 0.5 अपॉन 1000, ठीक है, दिस कैन रिटन 0.0005। तो डेल्टा वाई जो आंसर में चेंज आएगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहां पर भी है, ठीक है, तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव की 0.005, मतलब आपका आंसर जो आएगा वो 1/4 प्लस डेल्टा वाई, और यहां पर 1/4 और डेल्टा वाई है -0.005, ये आपका फाइनल आंसर होगा 0.0005, ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन उसने पूछा था चेंज कितना होगा, तो चेंज होगा 0.005।